नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धान खरीद केंद्रों पर गड़बड़ी और अनियमितताओं की शिकायत प्रदेश के हर जिले से लगातार सामने आ रही है, जिसके चलते लखीमपुर के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक मंजू त्यागी अपने क्षेत्र में निकली और सैदापुर धान खरीद केंद्र पहुंच गई। इस दौरान जब उन्होंने क्रय केंद्र सेंटर के इंचार्ज के बारे में पूछा तो वहां से नदारद मिले। नाम पूछे जाने पर जब किसी ने नाम नहीं बताया तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने वहां रखी कुर्सी को कई बार पटक दिया, जिससे वहां मौजूद लोग घबरा गए। क्रय केंद्र के अधिकारी कितने भी बदमाश हों, कितने भी मक्कार हों, उनको हम लोगों को सही रास्ते पे लाना ही होगा। थोड़ा सा जनता का सहयोग चाहिए, किसानों का सहयोग चाहिए। मैंने कहा है अगर हमारे किसानों का ये धान सरकारी क्रय केंद्र पे सही रेट पे नहीं बिक्री होती है तो मैं सबके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगी। मैनपुरी में एक दलित ने भाजपा नेत्री पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत लेकर पीड़ित पक्ष के लोग सपा कार्यालय पहुंचे और वहां अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद समाजवादी पार्टी के किशनी विधानसभा से विधायक ब्रजेश कठेरिया ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीड़ित पक्ष द्वारा भाजपा नेत्री से कुछ पैसे उधार लिए गए थे। पैसे न दिए जाने के एवज में भाजपा नेत्री ने पीड़ित पक्ष की 36 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन सपा किसी भी हाल में इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। दिखा रही 1995 का जी, जो उसी टाइम अनमेरिट हो चुका था और आज वो एक फर्जी तरीके से एक दखलनामा तैयार करके हमको टॉर्चर करती, हमारी जमीन हड़पना चाहती है उसी तरीके से। उन्होंने अपनी जमीन जो कि अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स इकरारनामा 80,000 रुपये में 36 बीघा जमीन का किया। फरुखाबाद में धान क्रय केंद्रों पर बिचौलियों का बोलबाला नजर आ रहा है। किसानों को अपना धान 1,000 से 1,200 रुपये कुंतल पर बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि सरकारी रेट 18.88 घोषित किए गए हैं। ऐसे में जब सरकार द्वारा किसानों की दोगुनी आय की बात की जाती है तो आखिर कहां से किसानों की आय दोगुनी होगी। कुछ किसानों का कहना है कि जैसे कि उनका धान है, मतलब कुछ कागजी कार्रवाई वगैरह ज्यादा मांगी जाती है, जिसकी वजह से नहीं, कागजी कार्रवाई तो ये तो शुरू से ही हो रहा, कोई नया नियम नहीं लागू हुआ है। पिछले कई वर्षों से यही शासनादेश में चल रहा है कि आपको व्यक्तिगत रूप से अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, जो कि आप गेहूं के लिए भी कराते हैं, मक्का के लिए भी कराते हैं, सारी चीजों के लिए, उसी तरह से धान में भी होता है। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित दुधवा नेशनल पार्क 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच खोले जा रहे दुधवा टाइगर रिजर्व में बच्चों और बुजुर्गों के लिए प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बाकी सैलानियों के लिए कोरोना वायरस गाइडलाइन के मुताबिक मास्क और सैनिटाइजर खुद रखना अनिवार्य होगा। साथ ही गेंडे देखने वाले प्रेमी सैलानियों को मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि हाथियों से गेंडा फेसिंग एरिया में नहीं घुमाया जाएगा। इतना ही नहीं, पार्क में बंद गाड़ियों से घूमने वाले पर्यटक 4 से ज्यादा एक गाड़ी में सवार नहीं होंगे। आपको बता दें कि अनलॉक 5 लागू होने के बाद शासन की गाइडलाइन के अनुसार पार्क खोला जा रहा है। पार्क है उसको 1 नवंबर से खोलने का निर्णय लिया गया और इस वर्ष जो है पूरी दुनिया COVID-19 के संक्रमण से त्रस्त है, तो और वर्षों की तुलना में काफ़ी सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पहले तो स्वच्छंद रूप से जैसा भी होता था, हम लोग जैसे चाहते थे वैसे रह लेते थे, पर इस बार जो है काफ़ी सारी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। फतेहपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स नशे में धुत जमीन पर बेसुध लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये शख्स पुलिस विभाग में कार्यरत है। जब वहां मौजूद लोगों ने उनसे पूछा तो वो अपना नाम तक नहीं बता पाया। फतेहपुर में 1 महीने पहले हुए किशोरी के साथ रेप के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और अब आरोपी पीड़ित घरवालों को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकी दे रहे हैं। इसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने SP ऑफिस में की है और पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जाँच के आदेश दिए हैं। बदायूं में बदमाशों ने गेहूं के गोदाम को अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने वहां मौजूद चौकीदार और उसके परिजनों के साथ पहले मारपीट की, फिर उन्हें बंधक बनाकर वहां लूटपाट की। मामले में SSP संकल्प शर्मा का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। गोदाम के चौकीदार के साथ बीती रात को एक घटना हुई है जिसमें मारपीट और लूट की गई है। कुल मिलाकर लगभग 35,000 रुपये का सामान लूट में जाना बताया गया है। इस संबंध में थाना उझानी पर रेलेवेंट IPC सेक्शंस में मुकदमा दर्ज हो गया है। अयोध्या सिविल लाइन इलाके में स्थित एक प्रतिष्ठित होटल में पुलिस ने जुआ खेलने वाले कई लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस को मौके से 1,60,000 रुपये और 10 मोबाइल फोन बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक जुआ खेलने वाले सभी लोग शहर के ही हैं और ज्यादातर प्रतिष्ठित कारोबारी हैं।
कोरोना काल में भी लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताजा मामला फतेहपुर से आया है, जहां एक मुंडन कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं द्वारा रात भर डांस करवाया गया। लोगों का कहना है कि पुलिस को इसकी सूचना कई बार दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। औरैया के इरवाकटरा थाना क्षेत्र के गांव ईश्वरपुर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने के कारण भयंकर विस्फोट हो गया, जिसमें रसोई की छत उड़ गई और पूरे मकान की दीवारों में दरारें आ गई। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग आ गए और उन्होंने गैस सिलेंडर की आग पर काबू पाने की खूब कोशिश की, लेकिन आग ने और भयानक रूप ले लिया।